आज हम ब्रिज कोर्स प्री टेस्ट जमात पंजुम मज़मून उर्दू इस पर्चे के जवाब देखेंगे। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर आपका नाम लिखना होगा, हाजिरी नंबर और स्कूल का नाम लिखना होगा। अब सवाल नंबर एक का अलिफ है, दर्ज ज़ैल सब्जियों के नामों को मुनासिब खानों में लिखिए। यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं, गाजर, भिंडी, बैंगन, मूली, आलू, मिर्ची, लहसुन, गोभी। इन नामों को हम लोगों को इन दो खानों में लिखना होगा। सबसे पहले ज़मीन के अंदर पैदा होने वाली सब्ज़ियाँ और उसके बाद ज़मीन के ऊपर पैदा होने वाली सब्ज़ियाँ। तो इस तरह से इनकी दर्जाबंदी हमें दो खानों में करनी होगी। अब सवाल नंबर एक का बे है, कौसैन में दिए हुए अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर कीजिए और कौस में लिखा हुआ है मोर और खुदा की तारीफ। इस ताल्लुक से पहला सवाल है, हम्द खाली जगह को कहते हैं, तो हमें यहाँ पर लिखना होगा खुदा की तारीफ। और नंबर दो है, खाली जगह हमारे मुल्क का कौमी परिंदा है, तो यहाँ पर हमें लिखना होगा मोर। अब सवाल नंबर दो का अलिफ है, दर्ज ज़ैल बेतरतीब हुरूफ का इस्तेमाल करके बामानी अल्फाज बनाइए। और यहाँ पर कुछ बेतरतीब हुरूफ दिए गए हैं और इन हुरूफ को तरतीब में लगा कर हमें बामानी अल्फाज बनाने होंगे। तो सबसे पहले जो हुरूफ है उनका पामानी लफ्ज़ बन जाएगा रसदार। नंबर दो पर जो हरूफ दिए गए हैं उनकी सही तरतीब लगा कर लफ्ज़ बनेगा मुर्गी। नंबर तीन पर जो हरूफ दिए गए हैं तो उनकी मदद से हम बना सकते हैं बरसात। और नंबर चार पर जो हरूफ दिए गए हैं उन्हें सही तरतीब में लगा कर बन जाएगा रश्क। तो इस तरह से इसे मुकम्मल करना होगा। बे, दर्ज ज़ैल फहरिस्त को तरतीब से लगाइए। यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं, जैसे गुस्ल करना, बैतुल खला जाना, दांत मांजना, सुबह सवेरे उठना। इनमें से सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, ये हमें सही तरतीब से लगाना होगा। सबसे पहले हमें लिखना होगा सुबह सवेरे उठना। नंबर दो पर लिखना होगा बैतुल खला जाना। नंबर तीन दांत मांजना। और नंबर चार गुस्ल करना। तो इस तरह से इनकी सही तरतीब होगी। अब अगला सवाल है, सवाल नंबर तीन का अलिफ, मदरज ज़ैल जमा अल्फाज की वाहिद लिखिए। यहाँ पर जमा के अल्फाज दिए गए हैं और उनके वाहिद हमें यहाँ लिखने होंगे। तो सबसे पहले है गाड़ियाँ, तो उसका वाहिद लफ्ज़ होगा गाड़ी। नंबर दो पर है खिड़कियाँ, वाहिद होगा खिड़की। नंबर तीन दरवाजे, दरवाज़ा। नंबर चार लड़के, लड़का। अब उसी का बे है, मदरज ज़ैल सवालात के जवाब लिखिए। उसका नंबर एक है, आपके पसंदीदा खेल का नाम लिखिए। तो अब यहाँ पर आप लोगों को अपनी पसंद का खेल, जो भी आप लोगों को खेल पसंद हो उसका नाम यहाँ पर लिखना होगा। मैंने अपनी पसंद का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिकेट। नंबर दो, मीम से शुरू होने वाले पांच अल्फाज लिखिए। तो जो भी अल्फाज मीम से शुरू होते हैं आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो। मैंने ये पांच अल्फाज यहाँ पर लिखे हैं, माँ, मोर, मुर्गा, मीठा और मौसम। नंबर तीन, आपके घर के दाएँ जानेब के दो पड़ोसियों के नाम लिखिए। अब ये तो आपको ही पता है कि आपके दाएं जानेब यानी राइट साइड में कौन से पड़ोसी रहते हैं, तो उनमें से किसी भी दो पड़ोसी का नाम आप लोगों को लिखना होगा। नंबर चार, बादशाह अकबर के हाजिर जवाब वजीर का नाम क्या था, तो यहाँ पर इसका जवाब होगा बीरबल। सवाल नंबर चार का अलिफ है, दर्ज ज़ैल दिए गए अल्फाज का मुशाहिदा कीजिए और मुशद्दद अल्फाज और नून गुन्ना वाले अल्फाज अलग कीजिए। तो सबसे पहले हैं जहां, कुर्रा, मैं, सयारचे, चीज़ें और गन्ना। तो इनमें से मुशद्दद अल्फाज जो हैं वो हैं कुर्रा, सयारचे और गन्ना। और नून गुन्ना वाले अल्फाज हैं जहां, मैं, चीज़ें। तो उम्मीद है आप लोगों को इस प्रीटेस्ट के सारे सवालात के जवाब अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।